हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लासिकल मैकेनिक्स से इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स। और जो ये प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूँगा वो सभी कंपटीशंस में पूछी जा रही है, लगातार हॉट टॉपिक्स बने हुए हैं और लगातार पूछे जा रहे हैं आजकल। तो एक क्वेश्चन आ रहा है आजकल एक्शन से, तो पहली प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नेट पे पूछी गई हुई प्रॉब्लम है और जहाँ तक पूछा गया है उसके आसपास की सब चीज़ें भी डिस्कस करूँगा। तो एक्शन पूछा गया था क्वेश्चंस के अंदर, लैग्रांजियन दिया हुआ था, लैग्रांजियन की वैल्यू थी हाफ एक्स डॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस वाज द गिवन। और क्वेश्चंस में गिवन था कि एक्स बराबर जीरो के ऊपर टी जीरो है और जब एक्स की वैल्यू एक्स नॉट हो जाती है तो टाइम की वैल्यू टी नॉट हो जाती है। तो एक्शन की वैल्यू पूछी गई थी क्वेश्चंस के अंदर, कॉट और टेन में आंसर दिए हुए थे। तो इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में रेगुलर पूछा जा रहा है, तो मैं सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूँगा और इसके आसपास की चीज़ें भी डिस्कस करूँगा। तो ध्यान दें कि लैग्रांजियन जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर का होता है वो होता है एल बराबर हाफ एन एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये जो लैग्रांजियन है, दिस इज द लैग्रांजियन फॉर द हार्मोनिक ऑसिलेटर और वन डायमेंशन का ही केस होगा। तो अगर हम इससे कंपेरिजन करें, ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, एक्स डॉट का मतलब डी एक्स अपॉन डी टी, के यहाँ फोर्स कॉन्स्टेंट है। तो अगर हम इन दोनों की कंपेरिजन करते हैं तो इजीली हम बता सकते हैं कि मास की वैल्यू गिवन पार्टिकल के लिए वो वन है यूनिट में, और के की जो वैल्यू है वो भी वन है, तो एम भी वन होगा और के भी वन होगा। क्वेश्चन के अंदर जब हमें पता चला कि मास भी वन यूनिट है और के भी फोर्स कॉन्स्टेंट भी वन यूनिट है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं और ओमेगा की जो वैल्यू होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वो होगी अंडर रूट के अपॉन एम। तो ओमेगा जो होगा क्वेश्चन के लिए वो वन होगा, के को वन रखें और एम को वन रखें तो ओमेगा की वैल्यू वन होगी। तो जैसे हमें ओमेगा पता चलेगा तो सबसे पहले हमें पता हो कि एक्शन होता है क्या है और एक्शन हम कैसे कैलकुलेट करें। तो एक्शन जो होता है वो होता है कि लैग्रांजियन की वैल्यू टाइम टी वन से लेकर टी टू तक इंटीग्रेट करके कैलकुलेट किया जाता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्शन। तो टी वन से लेकर टी टू तक इंटीग्रल वैल्यू अगर एल डी टी कैलकुलेट करें चाहे लैग्रांजियन है, तो ये हमारा हमें एक्शन की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टी वन की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई है जीरो और टी टू की वैल्यू दे रखी है टी नॉट, क्योंकि एक्शन जो पूछा है वो पूछा है कि टी बराबर जीरो से लेकर टी नॉट तक एक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो टी वन की वैल्यू को जीरो लें और टी टू की वैल्यू को टी नॉट लें, क्योंकि जो टी वन है टाइम वहाँ से शुरू वैल्यू होगी टाइम की वो जीरो और टी टू की वैल्यू होगी टी नॉट। एल की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, तो एल की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये वैल्यू होगी हाफ एक्स डॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, ये वैल्यू होगी। हाफ को इस एक्सप्रेशन से बाहर ले आए और वैल्यू लें जीरो से लेकर टी नॉट, और ये हमारा होगा एक्स डॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। हम जानते हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो सॉल्यूशन होता है वो साइन या कोसाइन की फॉर्म में होता है। तो एक्स का जो सॉल्यूशन लेते हैं अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो सॉल्यूशन होता है एक्स का एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये एक्स यहाँ पे पोजिशन है और ए एम्पलीट्यूड है, मोशन का ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से वन रख दें तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पे ए साइन टी, ये हमारा एक्स होगा। और एक्स लॉग जो हम यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे वो वैल्यू होगी ए कॉस टी। तो यहाँ से सबसे पहले जो एस एच एम की मोशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन वन डायमेंशन में, उसका सोल्यूशन लिख दें, एक्स जो होता है वो ए साइन ओमेगा टी होता है और ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वन दी है तो उसकी वैल्यू को वन ले लें, तो एक्स की वैल्यू ए साइन टी होगी और एक्स डॉट हो जाएगा ए कॉस टी, क्योंकि साइन टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस टी आएगा। इन दोनों वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो ये वैल्यू हमें ऑप्टेन होगी हाफ और जीरो से लेकर टी नॉट, यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करें इसकी, एक्स डॉट की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दें तो ये वैल्यू आएगी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करें, ये होगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और डी टी। ए स्क्वायर को कॉमन निकाल दें और दोनों से कॉमन निकाल के एक्सप्रेशन से बाहर ले आएँ तो ये वैल्यू आएगी ए स्क्वायर बाई टू और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दें जीरो से लेकर टी नॉट, ये वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा कॉस टू टी। तो एक्सप्रेशन को रख दें कॉस टू टी इंटू डी टी, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दें और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें तो ये जो हम इससे इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस टू टी का इंटीग्रेशन जो हमें ऑप्टेन होगा वो होगा साइन टू टी अपॉन टू, ये इसका इंटीग्रेशन होगा और जीरो से लेकर टी नॉट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें।
तो यहाँ से ये वैल्यू हमें ऑप्टेन हो जाएगी ए स्क्वायर बाई टू साइन टी नॉट और कॉस टी नॉट, ये वैल्यू ऑप्टेन होगी, क्योंकि जब हम टी नॉट अपर लिमिट रखेंगे तो ये साइन टू टी नॉट होगा, लोअर लिमिट पे जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। तो यहाँ से साइन टी नॉट कॉस टी नॉट आ जाएगा, क्योंकि साइन टू टी को टू टी नॉट को लिख पाऊंगा मैं टू साइन टी नॉट कॉस टी नॉट, तो यहाँ से ये वैल्यू ऑप्टेन हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करें कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें ये कम लिमिट हमें दे रखी है कि जब x की वैल्यू x नॉट है तो t बराबर t नॉट है, वो यहाँ पर पुट कर दें तो x नॉट की वैल्यू यहाँ से हमें ऑप्टेन हो जाएगी a साइन t नॉट, क्योंकि आंसर हमारा t नॉट में दे रखा है, और तो t नॉट में हमें आंसर और a को यहाँ से रिमूव करें तो a की जो वैल्यू है यहाँ से हम पुट कर पाएंगे x नॉट अपॉन साइन t नॉट, इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें यहाँ पर, तो वैल्यू कैलकुलेट होगी ए स्क्वायर बाई टू, और वैल्यू को पुट करें ए स्क्वायर की वैल्यू को जैसे हम पुट करेंगे यहाँ से तो ए की वैल्यू को पुट करेंगे एक्स नॉट अपॉन साइन टी नॉट यहाँ पर, तो ये वैल्यू हमें ऑप्टेन हो जाएगी हाफ एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन साइन टी नॉट, और वैल्यू आएगी साइन टी नॉट, और वैल्यू आएगी यहाँ से कॉस टी नॉट, तो साइन टी नॉट एक पावर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये वैल्यू जो यहाँ से हमें ऑप्टेन होगी ये है साइन स्क्वायर आएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन टू और कॉट टी नॉट, ये आंसर इसका हमें मार्क करना था। तो क्योंकि यहाँ जो आंसर में हम देखेंगे साइन टी नॉट से साइन स्क्वायर टी नॉट में एक पावर कैंसिल आउट होगी, तो यहाँ से कॉस टी नॉट अपॉन साइन टी नॉट बन जाएगा, उसकी जगह पर हम लिख पाएंगे कॉट टी नॉट, तो आंसर आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन टू कॉट टी नॉट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक्सएन पूछा था तो एक्सएन का हमें आंसर मार्क करना था एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन टू और टी नॉट। अब इससे संबंधित एस एच एम से संबंधित और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो एक सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सएन की वैल्यू एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू और टी नॉट है तो लैग्रांजियन क्या होगा, तो यहाँ से हम जो लैग्रांजियन हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे उनसे हमें मैच करके देखना पड़ेगा कि एक्सएन एक्स नॉट स्क्वायर बाई टू और टी नॉट किससे मैच कर रहा है, एक क्वेश्चन इस तरीका का पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा सकता है वो है कि जो एक्सपेक्टेशन टी की वैल्यू होती है वो एक्सपेक्टेशन बी के बराबर होती है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है वन डायमेंशन में वहाँ पे एक्सपेक्टेशन टी अपॉन एक्सपेक्टेशन बी की वैल्यू एन अपॉन टू लेते हैं और एन की वैल्यू को जैसे हम टू रखते हैं तो टू बाई टू वन हो जाता है। ये मैंने बहुत बार एक्सप्रेशन को डिस्कस किया है कि एक्सपेक्टेशन टी अपॉन बी की जो वैल्यू है एन अपॉन टी, जहाँ पे बी फंक्शन होता है आर की पावर एन का, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एन की वैल्यू टू होगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आर स्क्वायर का फंक्शन होती है, तो जैसे यहाँ पे एन की वैल्यू को टू रखेंगे तो एक्सपेक्टेशन टी और बी की वैल्यू वन हो जाती है। ये भी याद रखें पोजिशन एवरेज और टाइम एवरेज जो होता है वो ये टाइम एवरेज के लिए वैल्यू है, पोजिशन एवरेज के लिए वैल्यू सेम नहीं रहती, ये भी याद रखें। काइनेटिक एनर्जी का जो पोजिशन एवरेज है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं वन अपॉन ए जीरो से ए काइनेटिक एनर्जी ए टू डी एक्स, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम सब जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ और फोर्स कॉन्स्टेंट ए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करके हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी का जो एवरेज होता है पोजिशन एवरेज उसे भी हम वन अपॉन ए जीरो से पोटेंशियल एनर्जी इंटू डी एक्स से कैलकुलेट करते हैं, और जब टाइम एवरेज पूछता है तो वन अपॉन कैपिटल टी जीरो से कैपिटल टी काइनेटिक एनर्जी डी टी, और पोटेंशियल एनर्जी एवरेज पूछता है तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का टाइम एवरेज पूछता है तो वन अपॉन कैपिटल टी जीरो से कैपिटल टी और पोटेंशियल एनर्जी डी टी लेते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखें और पोटेंशियल एनर्जी को याद रखें कि इस केस में होती है हाफ ए एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों कंसेप्ट को याद रखें कि टाइम एवरेज जो होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सेम होता है, पोजिशन एवरेज सेम नहीं होता, तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ये भी याद रखें कि जब फ्रीक्वेंसी एफ से कोई पार्टिकल वाइब्रेट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है एक नियत पोजिशन के रेस्पेक्टली, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टू एफ होती है। तो ये चार पाँच चीज़ें सदा ध्यान रखें, मैंने रिपीट कराई हैं, एक्सेल पे क्वेश्चन कराया है, तो ये काफ़ी यूजफुल आपके लिए कंसेप्ट होगा और आप समझ पाएंगे। सदा ध्यान रखें कि जहाँ से क्वेश्चन आ चुका है उसके बाद बाएँ किस चीज़ें सदा पूछें, ऐसा कई बार कह सकता है कि लैग्रांजियन ना देख के हमसे क्या कहे एक्सेल बता दें कि एक्सेल की वैल्यू इतनी है और फिर पूछ सकता है कि इसका लैग्रांजियन क्या होगा, तो एक्सेल के फॉर्मूले में हमें जाना होगा और एक्सेल के फॉर्मूले को यूज करके हमें प्रॉब्लम को फिर बनाना होगा
किस किस तरीका से हम इसे सॉल्व करें। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, जहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं टाइम एवरेज पोजिशन एवरेज, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें। लगातार हॉट टॉपिक बना हुआ है कॉम्पिटिशन के लिहाज से। एक क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो सबसे हॉट टॉपिक्स रहता है वो एक टॉपिक रहता है लैग्रांजियन, एक टॉपिक रहता है हैमिल्टोनियन, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो रहता है वो लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन। आज का लेक्चर भी हॉट बना हुआ है, तो मैंने प्रॉब्लम एक्शन से शुरू की थी। आज की जो और नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो नेट का एक क्वेश्चन है जो जिस पैटर्न पर लगातार क्वेश्चन आता है। तो हैमिल्टोनियन दे रखा था, ये नेट जून 2016 का क्वेश्चन है और इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं और उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू है वो दे रखी थी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और क्वेश्चंस में हमें बताना था कि मोमेंटम पी की वैल्यू बी ई की पावर माइनस 280, और जो क्यू की वैल्यू है क्वेश्चंस में वो होगी ए अपॉन बी ई की पावर 280। ये हमें क्वेश्चंस में सॉल्यूशन दिखाना है कि पी और क्यू की वैल्यू गिवन हैमिल्टोनियन के यही रहेंगी। तो हैमिल्टोनियन से क्वेश्चन आता है और इसी पैटर्न पर आता है कि हैमिल्टोनियन हमें देता है और उसके एप्लीकेशन पोर्शन पर क्वेश्चन आता है, तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखें इस टॉपिक को। हैमिल्टोनियन में याद रखें कि जैसे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हमें दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करें कि इसमें हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलवेज रिमेंबर रखें। तो हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन होती है कि पी डॉट की जो वैल्यू होती है वो रहती है माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू, ये रहता है, और क्यू डॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल एच अपॉन डेल पी, और एक एक्सप्रेशन सब अभी भी ना भूलें वो है डेल एल अपॉन डेल टी की जो वैल्यू होती है वो माइनस डेल एच अपॉन डेल पी होती है। तो ये तीन एक्सप्रेशन ऐसे हैं, इनको हम बोलते हैं हैमिल्टन कैनोनिकल मोशन। एस सी एम का मतलब है हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये पी डॉट क्यू डॉट और एल लैग्रांजियन है, एच हैमिल्टोनियन। तो यहाँ से इन एक्सप्रेशनों को दोनों को यूज करें और इसके ऊपर जितना संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाइड प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, क्योंकि इसी पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनती हैं, लगातार पूछी जाती हैं। तो पी डॉट की वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट करें, पी डॉट की जो वैल्यू होगी वो डेल एच अपॉन डेल पी माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू से कैलकुलेट कर लें, वो आ जाएगी यहाँ से माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू, क्योंकि जैसे हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्यू के रेस्पेक्ट तो पी को हम कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और माइनस साइन यहाँ है, तो यहाँ से जो इसका क्यू के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन है वो आ जाएगा 2p स्क्वायर क्यू और माइनस साइन यहाँ से आ जाएगा, तो p डॉट की वैल्यू माइनस 2p स्क्वायर क्यू होगी। क्यू डॉट की वैल्यू को सिमिलरली कैलकुलेट कर लें, क्यू डॉट का मतलब होगा डेरिवेटिव ऑफ जो पोजीशन का अपडेट है उसका, तो क्यू डॉट की वैल्यू डेल एच अपॉन डेल पी होगी, डेल एच अपॉन डेल पी कैलकुलेट कर लें यहाँ से, ये वैल्यू होगी 2p क्यू स्क्वायर। तो सबसे पहले पी डॉट और क्यू डॉट को कैलकुलेट कर लें। एक तरीका हमारे पास सॉल्यूशंस का ये भी होता है कि जैसे ही हमारे पास सपोज क्या हमें ये एक्सप्रेशन रिमेंबर नहीं आता और हमें केवल यही एक्सप्रेशन याद आता है, तो जो हमारे आंसर होते हैं कई बार उन आंसरों में इन कंडीशनों को ओवर करा लें तो वहाँ से भी क्वेश्चन कई बार सॉल्व हो जाता है, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखें कि कई बार हम एक्सप्रेशन भूल जाते हैं, एक हमें याद होता है तो उसी को अप्लाई करके प्रॉब्लम बना लें। तो यहाँ से पी डॉट अपॉन क्यू डॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करें इस एक्सप्रेशन से, तो पी डॉट अपॉन क्यू डॉट की जो वैल्यू होगी वो यहाँ से इसको इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दें, तो यहाँ से वैल्यू हमें ये कैलकुलेट हो जाएगी माइनस 2p स्क्वायर क्यू अपॉन 2p क्यू स्क्वायर, तो ये आएगा यहाँ से पी क्यू को कैंसिल आउट कर लें तो यहाँ से वैल्यू हमें मिलेगी माइनस पी अपॉन क्यू, क्योंकि यहाँ से p की एक पावर कम होगी और यहाँ से q की एक पावर कम हो जाएगी, तो ये माइनस पी अपॉन क्यू आएगा, क्यू से क्यू डिवाइड हो जाएगा और माइनस साइन ये यहाँ पर बचेगा, तो पी डॉट अपॉन क्यू डॉट की जो वैल्यू है वो होगी माइनस पी अपॉन क्यू, इसको मैं लिख सकता हूँ पी डॉट जो होगा वो होगा हमारा डी पी अपॉन डी टी, तो इसको लिख दें पी डॉट का मतलब है डी पी अपॉन डी टी, क्यू डॉट का मतलब है डी क्यू अपॉन डी टी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस का पी अपॉन क्यू, इसके बाद डी टी को डी टी से कैंसिल कर लें, उसके बाद ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा डी पी अपॉन पी प्लस डी क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू जीरो, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ से, जैसे हम इसे इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ से तो ये हमें मिलेगा log b प्लस log q इंटीग्रेशन के बाद इसका log a, कॉन्स्टेंट ले लें, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं जनरली लिमिट नहीं पता होती हैं
तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आएगी लॉग पी क्यू इक्वल टू लॉग ए, ये हमने एक्सप्रेशन यूज किया है क्योंकि लॉग ए भी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, तो यहाँ से लॉग पी इक्वल टू लॉग ए आ जाएगा। तो पी क्यू की जो वैल्यू है वो हमें ऑप्टेन हो जाएगी पी क्यू इक्वल टू ए, तो पी क्यू इक्वल टू ए हमारी कंडीशन होगी। और अगर हम एक्सप्रेशन को देखें तो पी क्यू को जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होकर ई की पावर जीरो बना लेंगे, वन हो जाएगा, और बी से बी कैंसिल आउट होगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बचेगा। तो हमें आंसर से भी पता चल जाएगा और इसका कंडीशन से भी पता चलेगा। इस वैल्यू को जो यहाँ से हमने ऑब्टेन की है उसको इधर पुट कर दें इस एक्सप्रेशन में, तो यहाँ से हमारे पास पी लॉग क्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस का टू पी स्क्वायर, और क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें ये आ जाएगा ए अपॉन पी, ये वैल्यू ऑप्टेन हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि क्यू की वैल्यू यहाँ से होगी ए अपॉन पी, उसको इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें यहाँ पर, तो यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस टू पी स्क्वायर ए अपॉन पी। तो यहाँ से पी डॉट हमें जो मिल जाएगा वो आएगा माइनस का टू ए पी, यहाँ से बचेगा, इसको लिखते हैं डी पी अपॉन पी माइनस टू ए, और पी डॉट का मतलब होगा डी पी अपॉन डी टी, डी टी को इधर दे दें, उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दें तो ये हमें इंटीग्रेशन के बाद देगा लॉग पी इक्वल टू माइनस टू ए पी। और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लें लॉग बी, तो ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, दोनों तरफ से इंटीग्रेट किया है मैंने, जनरल इंटीग्रेशन का लॉग पी होगा इसका माइनस टू ए और डी टी का टी हो जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लॉग बी ले लिया है, तो यहाँ से जो वैल्यू है वो होगी हमारी लॉग पी अपॉन बी इक्वल टू, इस टर्म को इधर ले जाए ये वैल्यू आएगी माइनस टू ए टी, तो यहाँ से एंटी लॉग ले लें इसका, तो पी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एंटी लॉग लेने के बाद बी ई की पावर माइनस टू ए टी। उसके बाद पी क्यू इक्वल टू है ए, तो यहाँ से पी की वैल्यू को इधर पुट कर दें तो क्यू हमें यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, पी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी डी अपॉन ए ई की पावर टू ए टी। तो यह हमें आंसर मार्क करना था ये पी और क्यू की वैल्यू, ये मैंने इसका पूरा सोल्यूशन समझाया है। तो काफ़ी इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हैमिल्टोनियन देता है और हैमिल्टोनियन देने के बाद कैनोनिकल इक्वेशन और मोशन को यूज करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। तो ये क्वेश्चन नेक जून 2016 से था, काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है, लगातार पूछा जा रहा है कंपटीशन की दुनिया में, तो इस पर प्रॉब्लम्स अलग अलग आती रहती हैं। एक चीज़ हमें ध्यान रखें कि हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन बनाना, लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन बनाना जरूर सीख लें, लगातार क्वेश्चन आता है हैमिल्टोनियन में, सदा याद रखें कि हैमिल्टोनियन का आंसर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के डेरिवेटिव में दें, और जब भी हैमिल्टोनियन का आंसर मार्क करें वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और मोमेंटम को में सदा आंसर मार्क करें। कई बार स्टूडेंट गलती करता है और हैमिल्टोनियन के आंसर मार्क कर देता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में तो, और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के डेरिवेटिव में, तो कभी भी ऐसा ना करें, कई बार क्वेश्चन के चांसेस गलत होने के हो जाते हैं अगर आप इस तरीका का ट्रिक अपनाते हैं। तो दो क्वेश्चन से मैं डिस्कस कर रहा था और दोनों क्वेश्चनों के कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा। एक क्वेश्चन जो लैग्रांजियन से जनरली आ जाता है वो मैं बताऊँगा कि लैग्रांजियन से एक क्वेश्चन आजकल आ रहा है, डिफरेंट क्वेश्चन आया अभी बहुत जल्दी रिसेंटली, और टी दे लैग्रांजियन दे रखा था हाफ एन एक्स डॉट माइनस लैम्डा एक्स और इसका पूरे का होल स्क्वायर, और पूछा था कि एक्स की वैल्यू बताएं क्या होगी। तो आपको प्रूव करना है कि एक्स की वैल्यू उस क्वेश्चन के अंदर साइन हाइपरबोलिक और लैम्डा टी होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन टिफर में पूछा गया है, तो ये टिफर का क्वेश्चन है और टिफर का मैं वीडियो ऑलरेडी अब तक अपलोड कर चुका हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का जो एग्जाम होना है उसके प्रोस्पेक्ट्स में एक वीडियो मैंने तैयार की है। तो इसमें याद रखें कि इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी हमें इस तरीका की प्रॉब्लम आती है तो सदा याद रखें कि इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाएं, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करें, तो वो इक्वेशंस होती है डी ओवर डी टी, और इक्वेशंस का एक्सप्रेशन होता है डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो, ये लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करें। यहाँ से डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट की जो वैल्यू यहाँ से होगी इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें एक्स डॉट के रेस्पेक्टली, तो ये आ जाएगा हमारा हाफ एम इंटू पावर का करने पहले टू एक्स डॉट माइनस लैम्डा एक्स, ये वैल्यू आएगी हमारी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट की, उसके बाद डेल एल अपॉन डेल एक्स भी चाहिए तो एक्स के रेस्पेक्ट इसको लैग्रांजियन को डिफ्रेंशिएट कर दें पार्शियली, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी हाफ एम
और वैल्यू आएगी पहले पावर का करें टू एक्स डॉट माइनस लैम्डा एक्स, और फिर करें जो हमारा इसका कोफिशिएंट है वो कंसीडर करके आएगा माइनस लैम्डा, तो ये हमारा माइनस लैम्डा इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट तो पहले पावर का करेंगे और फिर इस टर्म का करेंगे माइनस लैम्डा एक्स का, तो माइनस लैम्डा एक्स से माइनस लैम्डा आ जाएगा और पावर से हमें ये टर्म आ जाएगी। तो ये हमारे पास में दोनों वैल्यूज ऑप्टिम हो जाएंगी। टू से टू को कैंसिल आउट कर दें, यहाँ पर भी टू को टू से कैंसिल आउट करें, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दें, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी डी ओवर डी टी, और डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट की वैल्यू को पुट करें एम एक्स डॉट माइनस लैम्डा एक्स, ये वैल्यू आएगी साथ साथ माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, तो ये वैल्यू हमें ऑप्टेन हो जाएगी प्लस का, ये माइनस एक ही माइनस यहाँ आएगा, एक माइनस ये है तो ये प्लस का आ जाएगा यहाँ से लैम्डा, और एम एक्स डॉट माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू जीरो, ये एक्सप्रेशन हमें ऑप्टेन हो जाएगा इस लैग्रैंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से। उसके बाद यहाँ से हम ले सकते हैं इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं इस टर्म का, एम कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले जाए तो एम एक्स डबल डेरिवेटिव माइनस लैम्डा एक्स डॉट आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से भी देखें क्या हमें ऑप्टेन हो रहा है एम लैम्डा एक्स डॉट माइनस लैम्डा स्क्वायर और एम एक्स इक्वल टू जीरो। तो इस टर्म इसको डी ओवर डी टी करें, इस टर्म को एम कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करें तो एक्स का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस लैम्डा एक कॉन्स्टेंट है तो लैम्डा एक्स डॉट आ जाएगा प्लस एम लैम्डा, और इसकी मल्टीप्लिकेशन हमने इस टर्म से किया तो दिस टर्म, और जब इस टर्म की इससे करेंगे तो हमें ऑप्टेन होगा। उसके बाद इस एक्सप्रेशन को देखें क्या आता है एम एक्स डबल डेरिवेटिव माइनस लैम्डा एम एक्स डॉट प्लस लैम्डा एम एक्स डॉट माइनस लैम्डा स्क्वायर एम एक्स इक्वल टू जीरो, इस टर्म को इससे कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ से हमें ऑप्टेन हो जाएगा एक्स डॉट माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशंस आ गई डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा एक्स इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक लैम्डा का, क्योंकि जैसे हम इस इक्वेशन का दो बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये टर्म हमें ऑप्टेन हो जाएगी, क्योंकि पहले डिफ्रेंसिएशन में हमें मिलेगा ए लैम्डा कॉस हाइपरबोलिक लैम्डा की, और जब हम सेकंड डेरिवेटिव इसका करेंगे तो वो मिलेगा एक्स डबल डेरिवेटिव इक्वल टू ए लैम्डा स्क्वायर, और जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन हाइपरबोलिक लैम्डा की, ए साइन हाइपरबोलिक लैम्डा की को एक्स रख दें तो ये वैल्यू यहाँ से हमें ऑप्टेन हो जाएगी लैम्डा स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से एक्स डबल डेरिवेटिव माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो इसलिए इसका सोल्यूशन सी आ जाएगा एक्स इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक लैम्डा की। तो लैग्रैंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन आता है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन रखें। कुछ लैग्रैंजियन पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है, उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लें, वहाँ से क्वेश्चन आता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं और डिस्कस कर रहा हूँ, और उसके साथ में न्यूटोनियन मैकेनिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसमें क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्स देता है वेलोसिटी का फंक्शन, और बताता है कि जो फोर्स है पार्टिकल के ऊपर जो एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू बताता है कि फोर्स फंक्शन है, और बताता है कि फोर्स फंक्शन है वेलोसिटी का, और रेसिस्टिव फोर्स है वेलोसिटी के इनवर्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो वहाँ से पूछता है कि फोर्स जो है वो इट इज़ द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन ले लें फोर्स। फिर पूछता है कि आप बताएं कि उसका एक्स की कर्व क्या होगा या वेलोसिटी की कर्व क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछता है। एक्स और टी की वैल्यू कई बार डिफाइंड होती हैं किसी दूसरे पॉइंट पर वैल्यू पूछता है, तो यहाँ पर ध्यान रखें कि फोर्स अगर वेलोसिटी का फंक्शन है और अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है तो एफ की वैल्यू को माइनस के इंटू वी ले लें, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन बताएगा कि फोर्स की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, और फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये टर्म कंसीडर होगी, के यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो जाएगा। फोर्स की वैल्यू को एम डीवी अपॉन डीटी ले लें, न्यूटोनियन मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, रिलेटिविटी इसमें कंसीडर नहीं करते न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, अगर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कहता है तब हम एम को वेरिएबल लेके चलते हैं और तब हम क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करते हैं। तो एफ को एम डीवी अपॉन डीटी ले लें, के यहाँ पर कांस्टेंट है तो माइनस के वी कर दें, तो यहाँ से डीवी अपॉन वी की वैल्यू कैलकुलेट होगी, ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी माइनस के अपॉन एम इंटू डी टी, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दें और इंटीग्रेशन लिमिट भी अप्लाई कर दें,
अगर कहता है कि पार्टिकल जो शुरू करता है वो उसकी वेलोसिटी शुरू में जी वी नॉट है, बाद में वेलोसिटी टाइम टी पर वी हो जाती है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशंस को यूज कर लें, टी की वैल्यू को जीरो पर वेलोसिटी वी नॉट रखें और टी बराबर स्मॉल टी के ऊपर जो वेलोसिटी है उसको वी ले लें। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दें, जैसे हम इसे इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी ब्लॉक वी अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम इनटू टी, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग जैसे ही हम लेंगे तो वी की वैल्यू होगी वी नॉट ई की पावर माइनस के अपॉन एम इनटू टी। तो इस टाइप से सॉल्व करें। इसके बाद इसका अगर कर्व हम देखेंगे तो कर्व इसका एक्सपोनेंशियली डिकेइंग हो जाएगा, ये टी बराबर जीरो इधर होगा, इधर ये वेलोसिटी और इधर ये टाइम होगा। तो वेलोसिटी टी बराबर जीरो जैसे हम लेंगे तो यहाँ वी नॉट है और एक्सपोनेंशियली ये डिकेइंग इस टाइप का कर्व हमें ऑब्टेन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। जब टी की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा और इन्फिनिटी पे जाके कहीं मिलेगा। तो ये वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल की कैलकुलेट कर लेंगे। वेलोसिटी को कैलकुलेट कर एक्स को कैलकुलेट करने के लिए जैसे डी एक्स अपॉन डी टी लिख दें वी नॉट ई की पावर माइनस के अपॉन एम टी और डी टी को इधर ले जाएँ, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट जैसे हम इसे करेंगे तो ये हमें मिलेगा वी नॉट अपॉन, इसका इंटीग्रेशन कर दें ई की पावर माइनस के अपॉन एम टी अपॉन माइनस के अपॉन एन और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दें तो एक्स यहाँ से हमें ऑप्टेन हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस वी नॉट एम अपॉन के और ई की पावर माइनस के अपॉन एन टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर वो कहता है कि बराबर जीरो पे पार्टिकल एक्स बराबर एक्स नॉट पे है तो वो यहाँ पे पुट कर दें और यहाँ से फिर क्वेश्चंस का जो गिविन कंडीशन है उसे अप्लाई करके सॉल्व कर दें। तो लगातार क्वेश्चंस इस पैटर्न पर पूछे जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आता है जब फोर्स को वेलोसिटी पे कई बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहता है और अपोजिट फोर्स एक्ट कराता है, वी स्क्वायर पे कहता है तब भी पैटर्न सेम रखें, वी क्यूब कहता है तब भी इसी तरीका से इसे सॉल्व करें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और यहाँ से रेगुलर एग्जाम्पल पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहीं पे कहेगा अगर सपोज किया कहता है कि पार्टिकल ने शुरू किया है चलना एक्स बराबर जीरो से टी बराबर जीरो पे, तो अगर ऐसा कहता है तो एक्स बराबर जीरो पर टी अगर जीरो दे रखा है तो पहले ये कॉन्स्टेंट के कैलकुलेट कर लें, ये जीरो हो जाएगा जीरो इक्वल टू माइनस वी अपॉन वी नॉट एम अपॉन के और ये वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी, ये ई की पावर जीरो बनेगा वन तो प्लस ए हो जाएगा, ए कॉन्स्टेंट हमारा आ जाएगा वी नॉट एम अपॉन के, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो एक्स हमें यहाँ ऑब्टेन हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट एम अपॉन के और वैल्यू आएगी वन माइनस ई की पावर माइनस ई अपॉन एम इन टू, तो ये एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा और सभी कंपटीशंस के स्टूडेंट्स को निश्चित तौर से इससे लाभ मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, काफ़ी हॉट टॉपिक्स में इसमें डिस्कस कर रहा था जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। थैंक यू, एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।